हेलो एवरीवन, आई एम अनुराधा आचार्य, योर साइंस टीचर। मैं आपको साइंस के अंदर जो बायो वाला जो पार्ट है आपका और जो एनवायरनमेंट वाला जो पार्ट है उसको पढ़ाऊंगी। तो बायो और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी लेसन आपकी साइंस की बुक में है उन सबको हम पढ़ेंगे। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है बायो से रिलेटेड, जो आपकी बुक में जो चैप्टर है, चैप्टर फिफ्थ, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से मैं पहले आपको ये बता दूं कि बोर्ड के ऊपर जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो ही आपके क्या है, नोट्स हैं। आपको उनको अपनी नोट्स कॉपी में उतारना है और लास्ट में जो भी पढ़ाया गया है उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, तो वो क्वेश्चन आपको अपने होमवर्क रजिस्टर के अंदर करना है। तो हमारा बायो का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर फिफ्थ है आपका, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। कि फंडामेंटल का मतलब होता है कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटी से छोटी यूनिट जो किसी पूरे एक बड़े से स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। जैसे एक एग्जांपल, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग जो बहुत सारे फ्लोर्स हैं बिल्डिंग में, तो उस पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो उसकी फंडामेंटल जो यूनिट है वो क्या है, ब्रिक्स है। ब्रिक यानी ईंट, कि बिना ईंट के आप किसी भी पूरी बिल्डिंग को नहीं बना सकते हैं। तो जैसे एक पूरी एक बड़ी बिल्डिंग की फंडामेंटल जो यूनिट है वो क्या है, ब्रिक है, उसी तरह से हमारी जो लाइफ है उसकी फंडामेंटल जो यूनिट है वो क्या है, सेल है। कि बिना सेल के हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। तो पूरी ह्यूमन बॉडी को, चाहे से वो ह्यूमन की बॉडी हो, एनिमल्स की हो, या बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं उनकी जो बॉडी है, उसको बनाने के लिए जो यूनिट चाहिए, फंडामेंटल यूनिट चाहिए, उसको क्या कहा गया है, सेल कहा गया है। तो इस जो चैप्टर है आपका, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके अंदर हम सेल के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है, पहले भी आप पढ़ के आ चुके हैं छोटी क्लास में, कि बहुत सारी सेल्स मिलकर एक बॉडी को बनाती हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। जैसे हमारा जो ये नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, सिक्स जो चैप्टर होगा आपका, वो सेल के बाद में किसका होगा, टिश्यू का ही होगा। तो ग्रुप ऑफ सेल इज़ कॉल्ड टिश्यू। फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। फिर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम, आगे जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो ये सिस्टम्स पढ़ेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो कौन मिलकर बनाते हैं, ऑर्गन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि जैसे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किससे मिलकर बना है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन है, लंग्स है, नोज है, फेरिक्स है, लैरिक्स है, ये सारे क्या कहलाते हैं, ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऑर्गन आते हैं, जैसे बक्कल कैविटी, माउथ है, उसके बाद बक्कल कैविटी, फिर फेरिक्स, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सब क्या होते हैं, ऑर्गन। और इन सब ऑर्गन ने मिलकर बनाया एक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह रेस्पिरेशन में बहुत सारे ऑर्गन होंगे, इस तरह से एक्सक्रेटिव सिस्टम है जिसमें जैसे आपकी किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, एक्सक्रेटिव सिस्टम। और बहुत सारे सिस्टम से मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनती है। तो इसी तरह से भी प्लांट में भी बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे कि प्लांट में भी कौन कौन से सिस्टम होते हैं, उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी होता है, रेस्पिरेटिव सिस्टम, तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन। तो जो फंडामेंटल यूनिट है किसी भी लाइफ को बनाने की, जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या है, सेल है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पूरे सेल के बारे में, सेल का स्ट्रक्चर के बारे में, कि सेल का कैसे मिलकर बनी है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गन पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम सेल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि जो सेल है उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, किसके अंदर उस सेल को देखा गया था, उसको देखने पर उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर हमको नज़र आया था। तो जो सेल है उसको सबसे पहले, फर्स्ट सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल को अंदर, सेल को 1665 में सबसे पहले एग्जामिन किया था या डिस्कवर किया था, और किसके अंदर किया था,
स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक कॉर्क की उन्होंने पतली सी स्लाइस काटी और उस स्लाइस को काटने के बाद में उन्होंने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, एक ऐसा माइक्रोस्कोप जो रॉबर्ट हुक के द्वारा खुद के द्वारा बनाया गया था, ऐसे माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने उसको देखा। क्योंकि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं, उनका इन्वेंशन क्या हुआ था, बाद में हुआ था। तो रॉबर्ट हुक ने अपने ही द्वारा बनाए गए एक माइक्रोस्कोप में कॉर्क की एक पतली सी, कॉर्क कौन सी होती है, डेड सेल होती है, तो उसको पतली पतली सी स्लाइड काट करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो जब उसने उसको अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसको बहुत छोटे छोटे से उसके अंदर कंपार्टमेंट नज़र आए, इस तरह के छोटे छोटे से कंपार्टमेंट नज़र आए। तो जैसे हनीकॉम्ब, एक हनीकॉम्ब या मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके अंदर जिस तरह से छोटे 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 कंपार्टमेंट नज़र आते हैं, इसी तरह से कॉर्क की एक पतली स्लाइस के अंदर उनको कंपार्टमेंट नज़र आए। इट लुक लाइक हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट। तो किस तरह का स्ट्रक्चर उनको नज़र आया, एक हनीकॉम्ब की जैसे, जिसके अंदर छोटे 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 क्या थे, कंपार्टमेंट थे। उसके बाद जो सेल्स है, लिविंग जो थिंग, ये तो कौन सी थी, डेड सेल थी, लेकिन जितने भी लिविंग थिंग्स आर कंपोज ऑफ सेल, कि लिविंग जो थिंग्स होती हैं वो भी किससे कंपोज होती हैं, सेल्स से ही कंपोज होती हैं। तो लिविंग सेल्स को देखने के लिए सबसे पहले जो सेल्स देखी गई थी वो किसके अंदर देखी गई थी, ओनियन पिल। ओनियन पिल होती है, जो ओनियन होती है उसके ऊपर जो पतली पतली सी, आपने देखा होगा बहुत पतली पतली सी जो झिल्ली निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, ओनियन पिल। तो जब ओनियन पिल को भी सबसे पहले किसके अंदर देखा गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया इसको। तो उन्होंने क्या करा कि इसकी एक स्लाइड बनाई। अब ये स्लाइड आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे, साइंस लेंगे, लैब में जाएंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि स्लाइड कैसे बनाई जाती है। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि स्लाइड कैसे बनती है, कि जैसे ओनियन की एक पतली सी पिल्ली या परतली, उसमें एक छोटे से पीस को क्या कर लिया, काट लिया, और इस छोटे से पीस को ये स्लाइड्स होती है ग्लास की एक इस तरह की, उसके ऊपर रखते हैं। पहले इसको सेफ्रिन के अंदर डालते हैं ताकि ये कलरफुल हो जाए, सेफ्रिन जो होता है वो कलर देता है, कलर उसके बाद निकाल कर उसको स्लाइड पर रखते हैं, और उसके ऊपर एक पतली सी, वो भी एक कांच की या ग्लास की जैसे एक कवर स्लिप जिसको कहते हैं, उसको लगाते हैं, और लगाने के बाद में इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया। तो जब माइक्रोस्कोप में इस ओनियन पिल की एक छोटे से पीस को देखा गया तो उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर हमको नज़र आया। तो ये स्ट्रक्चर नज़र आया, तो इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद कि एक छोटी सी, तो इस तरह से बहुत सारी सेल्स के अंदर जो है उसमें इस तरह का, जितनी भी ऑनियन पिल्स हैं उन सब में इसी तरह का स्ट्रक्चर क्या होगा, नज़र आएगा। तो इस स्ट्रक्चर में देखा गया कि चारों तरफ ये कवर होती है, इसके बीच में ब्लैक ब्लैक डॉट है, ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। जो इसमें वाइट वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो इस तरह से देखा गया कि एक ओनियन पिल के अंदर जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा गया तो इस तरह का स्ट्रक्चर क्या हुआ, नज़र आया। तो ये था एक सेल को डिस्कवर करने वाला, कि सबसे पहले कॉर्क में देखा गया और उसके बाद में किस में देखा गया, ओनियन पिल में इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। अब हम ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारी, तो वेरियस सेल इन ह्यूमन बॉडी, अब ये आपके बुक के अंदर कुछ डायग्राम बने हुए हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे ब्लड सेल जो क्या बनाती हैं, ब्लड बनाती हैं। आगे आप जाएंगे तो ब्लड सेल्स भी 3 टाइप की होती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो ये जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं वो किसको बनाती हैं, ब्लड को बनाती हैं। बोन सेल्स, जो हमारी बोन्स होती हैं उसके अंदर जो सेल्स बनाती हैं, जो हमारी बोन्स को क्या करती हैं, बनाती हैं। इसके बाद में मसल्स सेल्स, जो हमारी मसल्स होती हैं इन्हीं के कारण हमारी मसल्स क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। तो ये कौन सी सेल कहलाती हैं, मसल सेल्स कहलाती हैं। इसके बाद में है न्यूरॉन सेल, या इसको हम कहते हैं नर्व सेल। तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मैसेज हैं उनको बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाने के लिए जो सेल्स काम करती हैं उनको न्यूरॉन सेल या नर्व सेल कहा जाता है। तो इस तरह की सेल भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद में आपके ओवम, अब ओवम क्या है, ओवम है फीमेल गैमेट्स। आगे जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे कि ह्यूमन के अंदर 2 टाइप के गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। तो फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओवम या एग। तो ये कौन सी सेल है, ओवम या एग सेल। फैट सेल, जो हमारी बॉडी में क्या बनाती हैं, फैट बनाती हैं।
इसके बाद में स्पर्म, स्पर्म क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। तो ये कुछ सेल्स हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी सेल्स हैं जिनके बारे में हम आगे और भी डिटेल से पढ़ेंगे। मसल सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं। तो आगे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे, आगे जो और चैप्टर आएंगे उनके अंदर, इनके अंदर और भी डिटेल से हम स्टडी करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कि सेल्स के नंबर के बेस पर ऑर्गेनिज्म को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर ऑर्गेनिज्म को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी केवल एक सेल से मिलकर बनती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी केवल एक सेल से मिलकर बनती है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और उनकी बॉडी की जो एक सेल होती है वो ही बॉडी के सारे फंक्शन को क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो जैसे बहुत सारे फंक्शन मैंने आपको बताए, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रिएशन है, तो ये सारे जो भी फंक्शन होते हैं वो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वन सेल के द्वारा ही होते हैं। तो इट इज़ ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ऑल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। जितने भी उनकी बॉडी के फंक्शन होते हैं वो एक सिंगल सेल से क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। एंड इट्स लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, लेकिन इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, यानी ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रहते हैं, उनकी लाइफ क्या होती है, बहुत छोटी होती है। जैसे इसका एग्जांपल है अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, ये सब कौन से कहलाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद में है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो बॉडी है या जो शरीर है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनता है। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया बहुत सारी सेल से मिलकर बनेगा तो क्या बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से सिस्टम बनेंगे, फिर सिस्टम से क्या बनेगी, बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी है उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, बहुत ज़्यादा नंबरों की सेल से कंसिस्ट होता है। डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अब अलग अलग तरह की जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरह का फंक्शन को क्या करेंगी, परफॉर्म करेंगी। जैसे हमारी बॉडी में, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन बने हैं तो उसमें जो सेल्स काम में आई हैं वो केवल रेस्पिरेशन का ही फंक्शन करेंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन हैं और वो जिस सेल से मिलकर बने तो वो सेल केवल डाइजेस्टिव सिस्टम का ही फंक्शन करेंगी। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, कि जो अलग अलग सेल्स होंगी वो अलग अलग तरह के फंक्शन को क्या करेंगी, परफॉर्म करेंगी। एंड इट्स लाइफ स्पैन इज लॉन्ग, लेकिन इनकी लाइफ क्या होती है, बहुत लंबी होती है, यानी ये लंबे समय तक क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है आपके ह्यूमन ट्री, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, कई पेड़ तो कई वर्षों तक जिंदा रहते हैं। एनिमल्स है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब ये आपको पूरा समझ में आ गया कि नंबर ऑफ सेल के बेस पर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। इसके बाद में व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ, कि हमारी जो ये एक सेल है वो किस किस से मिलकर बनी है। अब यहाँ पर हम सेल के ही स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो ये एक सेल है वो किस किस से मिलकर के बनी है। एवरी सिंगल सेल डू बेसिक फंक्शन, अब जो भी एक सेल होगी, जो भी एक सेल का जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो बेसिक फंक्शन करती है, जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, वो सभी फंक्शन में वो एक सिंगल सेल क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। तो व्हाट इज़ द सेल मेड अप ऑफ, अब जो इस सेल है वो किससे मिलकर बनी है, तो थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ सेल्स, जो एक सेल होती है वो कितने मेन कंपोनेंट से बन के बनी है, थ्री। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे अभी मैंने आपको पीछे प्लांट सेल के बारे में तो बता दिया है, अब ये एनिमल सेल्स, आगे इसका डिटेल से जो डायग्राम है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी ये केवल समझाने के लिए।
तो ये इसके चारों तरफ, जैसे ही सेल है तो ये चारों तरफ जो आपको लेयर नज़र आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद में बीच के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अंदर एक फ्लूड जो होता है वो फिलअप होता है जिसको क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर हम बहुत सारे ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, गॉल्जी अपरेटर्स। तो इन सब के बारे में हम आगे जो लेसन स्टार्ट जो चलेगा उसके अंदर एक एक करके पढ़ेंगे और हर उसका हम डायग्राम भी पढ़ेंगे। तो जो तीन मेन कंपोनेंट्स हैं जो किसी एक सेल को बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं जो एक सेल को बनाते हैं। तो आज हमने ये सब पढ़ा है, आपको समझ में आ गया होगा सबसे पहले कि फंडामेंटल का मतलब, मैंने इसीलिए ये लेसन स्टार्ट किया, फंडामेंटल फाउंडेशन रखने वाली नींव जिसको कहते हैं, जहाँ से किसी भी स्ट्रक्चर क्या होता है बनना शुरू होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। और हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल है। तो सेल को किसने डिस्कवर किया, काई के अंदर देखा, फिर ओनियन तिल के अंदर देखा गया, फिर ह्यूमन बॉडी की वेरियस जो ये सेल्स हैं बहुत सारी, उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म किसके बेस पर, नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर। उसके बाद में हमने पढ़ा है कि व्हाट इज सेल, अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियस के बारे में, फिर साइटोप्लाज्म के बारे में, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑरिजिनल्स हैं उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज आपको अपनी नोट्स कॉपी के अंदर जितना भी दिख रहा है आपको ये सब उतारना है आपको, और आज मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपको अपने होमवर्क रजिस्टर के अंदर करने। साइंस का नोट्स कॉपी आप एक अलग बनाएंगे जिसके अंदर तो ये नोट्स हैं ये उतारेंगे, और फिर जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपका जो साइंस का होमवर्क का रजिस्टर है उसमें आपको करना है। तो आपको आज 3 क्वेश्चंस करके लाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर सेल एंड हाउ, कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया और कब किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है कि आपकी जो वेरियस सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी में जिनके डायग्राम बने हुए हैं, ये डायग्राम आपको अपनी होमवर्क के अंदर करने हैं। और थर्ड जो क्वेश्चन करना है वो आपको करना है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कि नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर ऑर्गेनिज्म को कितने टाइप में डिवाइड किया है, उनको एग्जांपल के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। इसके आगे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, इसके आगे का जो टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।